हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग समझेंगे एल्गोरिदम और उसके बाद अगर समय रहा तो फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम कोई भी हो। प्रॉब्लम का मतलब है यहाँ पर कोई भी काम, और हम लोग इसको समझेंगे प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में, प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे एल्गोरिदम। हालांकि हम किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें अपने घर में कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करना है, या स्कूल में कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट करना है, या कुछ भी करना है, हमें कोई भी काम करना है, कोई भी काम, नॉट ओनली सेलिब्रेशन, कोई भी काम करना है। तो उस प्रोग्राम को अगर हम अच्छे से सक्सेस कराना चाहते हैं तो हमें एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि 5 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 50 लोग आएंगे, 50 लोग यहाँ बैठेंगे, वीआईपी वहां बैठेंगे, उनके लिए चाय नाश्ता रहेगा, पहला प्रोग्राम ये होगा, ये इतने देर का होगा, इसके बाद ये होगा, ये इतने देर का होगा। इन सब के बावजूद अगर बिजली चली जाती है, अगर बिजली है तब तो ये चलेगा, बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर का व्यवस्था रखना पड़ेगा, जनरेटर का व्यवस्था रखना पड़ेगा, ये रखना होगा। यानी कि हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हम पहले लेआउट बना लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से रन करेगा एज कम्पेयर टू कि हम बस जैसे तैसे प्रोग्राम कर दें। वैसे ही कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने से पहले, कोई भी प्रोग्राम, खास करके बड़े प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम तो खैर ऐसे ही बन जाते हैं, बट कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एल्गोरिदम बनाना होता है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम मतलब वो कोई खास लैंग्वेज का डिपेंडेंट नहीं है। आई मीन आप अगर सी जानते हैं, सी प्लस प्लस जानते हैं, जावा जानते हैं, या कोई पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप नहीं भी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी आप एल्गोरिदम कम से कम लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, एक छोटा सा एल्गोरिदम है। यह किस चीज के लिए है? ये है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये पता लगाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेप क्या है। पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट। भाई स्टार्ट करो, क्या करना है? रीड द कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस रीड करो। फिर क्या है? रीड द सेलिंग प्राइस। फिर सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, जितना में हम माल खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये में माल खरीद रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस यानी कि हम उसे 15 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा? 15 रुपये है। अगर कॉस्ट प्राइस उससे कम है, सेल हमने ज्यादा में किया है, कॉस्ट हमको कम पड़ा है, तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट हुआ हमें। तो यही पर है, इफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देन ये प्रॉफिट है। आप ऐसे कुछ लोग सोच रहे होंगे जो ये सब पहली बार देख रहे हैं कि इतना छोटा सा चीज के लिए तो तामझाम क्यों हो रहा है? भाई ये हम लोग बड़े चीज का शुरुआत कर रहे हैं छोटे से, ठीक है? अभी आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये कितना बड़ा होते चला जाता है और तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा एल्गोरिथम क्या चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग छोटे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब बड़ा सुन लीजिए, जिनको बड़ा समझना है। मान लीजिए आपको एक बैंक का प्रोग्राम बनाना है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही उससे ऑपरेट होगा उस प्रोग्राम से, या कोई बहुत बड़ा इंटरप्राइज है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाना है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे स्कूल है, कॉलेज है, उसके लिए पूरा सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है, तब आपको शायद समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तब वहां पर हमको एक एक पहलू को देखना पड़ेगा, एक एक चीज का एक एल्गोरिदम तैयार करना पड़ेगा कि ये काम ऐसे होगा, यहाँ पर ये होगा, अगर ये होगा तो वो होगा, ऐसे वैसे। तो हम लोग छोटे चीज से शुरू कर रहे हैं। अब समझिए बात को ध्यान से। तो अगर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन स्पॉट सेलिंग प्राइस, देन ये प्रॉफिट हुआ है। क्या प्रॉफिट हुआ है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए, सेलिंग प्राइस हमारा 15 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, घटा दीजिए 5 रुपया, ये 5 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ है। स्टेप 5, अगर ये कंडीशन है तब प्रॉफिट हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हम माल बेचे ही है कम में, यानी कि हम 10 रुपया में खरीद के लाए, 8 रुपया में बेचना पड़ा हमें किसी कारण, तो ये लॉस हो गया है। कितने का लॉस हुआ? 10 रुपया माइनस 8 रुपया, यानी 2 रुपया का लॉस। अब क्या है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यानी दोनों बराबर है, तब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें पता चल गया काम खत्म, इतना ही सा काम था, काम हो गया खत्म। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। एल्गोरिदम के लिए कोई लैंग्वेज का ज्ञान, लैंग्वेज मतलब नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो ज्ञान, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान नहीं भी है तो भी आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखलाऊंगा कि ये तो एल्गोरिदम मुझे मिल गया, अब इस एल्गोरिदम के अनुसार कोडिंग करना कितना आसान हो जाता है। देखिए
ध्यान से समझिएगा, एल्गोरिदम हमारे सामने है, ये एल्गोरिदम है हमारा, हमें अब प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम हमें किसमें बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें जावा में प्रोग्राम बनाना है, तो जावा में प्रोग्राम कैसे बनेगा, क्लास प्रॉफिट एंड लॉस, क्लास का नाम देना होता है, फिर पब्लिक। अब देखिए ये अब आ गया कि लैंग्वेज डिपेंडेंट, अब हमको उस लैंग्वेज के ग्रामर के हिसाब से, उस लैंग्वेज के रूल्स के हिसाब से अब हमें कोड लिखना है, अब एक्चुअल प्रोग्राम बनाना है। ये एल्गोरिदम है, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया होने की जरूरत नहीं, इसके लिए बस आइडिया होने का जरूरत है, इसके लिए बस थिंकिंग एबिलिटी का जरूरत है कि ये चीज बनेगा कैसे, ये होगा कैसे, ये कोई भी आम आदमी कर सकता है। बट कोडिंग के लिए अब आपको स्पेशल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब अगर आप जावा जानते हैं तो जावा, सी जानते हैं तो सी, या किसी में जो आप बहुत सारा जानते हैं तो सभी में आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग जावा को लेकर चलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम लोग सिंपल प्रोसीजर, सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं प्रोसीजर, आप इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चाहे तो बना सकते हैं। तो देखिए रीड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस रीड करना है तो हम वेरिएबल बनाएंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, पहले नियम ये कहता है, फिर इनपुट कराने के लिए एक ये बनाते हैं व्यवस्था। अब जिन लोगों को जावा पता होगा वही लोग इन सब चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है, कि हम लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो एल्गोरिदम और कोडिंग में यही अंतर हो जाता है, ये क्यों लिखा जा रहा है, इसके लिए आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीखिए पहले। प्रोग्रामिंग इन हिंदी प्लेलिस्ट है या जावा बिगिन है, उसमें चीजों के बारे में विस्तार से बतलाया हुआ है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या है, हालांकि पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है, दूसरा स्टेप क्या, रीड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस रीड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस एक वेरिएबल चाहिए, साथ ही साथ सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तो ये वेरिएबल बन रहा है। इनपुट कराने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं, पहले एक आउटपुट होना चाहिए, ये स्टेप वन का ही सारा पार्ट है, सब पार्ट से। इंटर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट int, ये क्या हो रहा है, ये एक इंटीजर रीड किया कॉस्ट प्राइस में चला गया। नाउ व्हाट, द सेम वे एल्गोरिदम के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस में जो चला गया, जिनको प्रोग्रामिंग पता है सब इजी लग रहा होगा। इससे हमारा क्या हुआ, स्टेप वन क्लियर हो गया, स्टेप वन किससे क्लियर हो गया, यहां तक हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या बोल रहा है, रीड द सेलिंग प्राइस, एक सेकंड इसको पैरेलल रख देते हैं तब शायद ज्यादा समझ में। देखिए सेलिंग प्राइस हमारा ये स्टेप टू हो गया हमारा, स्टेप टू स्टेप थ्री है, उसके बाद स्टेप अगला स्टेप क्या कहता है, इफ कंडीशन लगाना है, अब ये कंडीशन लगाना है, इफ कॉस्ट प्राइस, इफ कंडीशन कैसे काम करता है, लूपिंग कैसे काम करता है, इसके लिए सारा जानकारी आपका जावा टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में है, एक वीडियो लूपिंग से संबंधित और इफ कंडीशन संबंधित, या जावा बिगिन प्लेलिस्ट में चार पांच वीडियो दोनों से रिलेटेड है, उसको आप देख के सीख सकते हैं सब कैसे होता है। ये देखिए इफ सीपी इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इज लेस देन सेलिंग प्राइस, तो क्या कहना है हमें, तो कहना है भाई कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो भैया प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी निकालिए, आई एन टी पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये भी आउटपुट करा दीजिए, प्रॉफिट क्या हुआ है, पी, तो ये हो गया। अब आप देखिए कि यहां से यहां तक, इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, एक तरीका ये हुआ। स्टेप फोर जो है ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक स्टेप फोर के लिए है सारा हिसाब किताब। अब इसी तरह से हमारा क्या होगा, दूसरा कंडीशन लगाते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम बना लिए इसलिए अब हमको ज्यादा दिमाग कोडिंग में नहीं लगाना है, हम लोग बस देखिए अगला कंडीशन क्या है, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, कॉपी पेस्ट करने से ही फायदा, बहुत ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ता है।
तो प्रिंट भैया लॉस लॉस हो गया। अब यहाँ वेरिएबल बदल दीजिए, पी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आयल लिखा दो। सेलिंग प्राइस मान लो कम है हमारा इस बार, 8 ही है, तो लॉस माइनस में दिखलाएगा, 2 रुपया माइनस दिखलाएगा, वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंडीशन भी आप लगा दो, चूंकि एल्गोरिथम हमने इस तरह से बनाया, हम इस प्रोग्राम को देखिए, किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए कई सॉल्यूशंस हो सकता है, कई एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, तो हमें पहले मल्टीपल एल्गोरिदम्स को एनालाइज करना चाहिए, जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे एफिशिएंट है, जो सबसे आसानी से बन रहा है, सबसे मतलब कम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम लोग उसके आधार पर प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा काम कर रहे हैं, एक एल्गोरिदम ये मिल गया, इसी आधार पर बना रहे हैं, दूसरा एल्गोरिदम मिले दूसरे आधार पर बना सकते हैं, मोर ऑर लेस सब चीज सेम ही रहेगा। अभी अगला कंडीशन क्या है कि दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा तो क्या लिखना है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, और ये इसका वैल्यू जीरो आएगा, कितना प्रॉफिट हुआ ये दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, क्योंकि एसपी भी सेम है, 10 रुपया, ये भी 10 रुपया, तो जीरो दिखाएगा, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, एंड, तो एंड कर दीजिए, बन गया हमारा प्रोग्राम। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रेडी है। अब आप देखिए कि ये है हमारा एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम आप कितना विस्तार से लिख रहे हैं, जैसे आप ये कंपेयर करिएगा तो इसमें समझ में आएगा आपको कि वेरिएबल बनाने के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी हम बना रहे हैं। ये स्कैनर के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है एल्गोरिदम, फिर भी, तो ये एक अच्छा प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर का काम है कि स्टेप 1 या स्टेप 2 कैसे होगा, वो फिर प्रोग्रामिंग आ जाता है। जैसे आपको कोई कहा कि भैया रोटी बनाओ, तो आप अगर अच्छा कुक हैं तो आपको ये नहीं बताएगा कि पहले आटा लो, फिर उसमें पानी डाल के उसको गूंद लो, है ना, उसमें हिसाब से पानी डालना, ज्यादा मत डालना, कम मत डालना, हिसाब, ये सब नहीं बताना है। तो उसी तरह से रीड द कॉस्ट प्राइस, तो उसमें ये नहीं बताना है कि वेरिएबल बनाओ, फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर एक मैसेज डालो कि भाई नंबर डालो, फिर उसमें इनपुट, वो अंडरस्टूड रहता है। मगर आप अगर चाहें कि इस चीज को भी विस्तार से लिखना, तो आप लिख सकते हैं, वो और बेहतर ही एक तरह से बनेगा, वो एलैबोरेट हो जाएगा थोड़ा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक एल्गोरिदम और एक प्रोग्राम में क्या अंतर होता है। अब यही प्रोग्राम हम अगर सी लैंग्वेज में बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगा, सी प्लस प्लस में बनाएंगे तो अलग तरीके से बनेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक बाइक चलाना सीख गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बुलेट चलाना सीख गए हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप जावा चलाना सीख गए हैं, तो आप स्प्लेंडर भी चला सकते हैं, यानी पाइथन भी चला सकते हैं, आप स्कूटी भी चला सकते हैं, यानी कि विजुअल बेसिक, क्यू बेसिक भी चला सकते हैं, आप यामाहा भी चला सकते हैं, यानी कि आप सी भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कोई एक लैंग्वेज सीख जाइए, बाकी लैंग्वेज सीखना फिर आसान हो जाता है। तो ये तो हो गया एल्गोरिदम और ये हो गया प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, हमें लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना है कि क्या है, जो जो भाषा आता है गलत सही सब में हम बना सकते हैं, एक बस ये लेआउट होता है कि इसके अनुरूप प्रोग्राम बनाए, फिर इसमें फेर बदल करना आसान होता है। अब जब एल्गोरिदम बनेगा तो वो ज्यादा पढ़ने में समझ में भी आता है। जैसे आप पढ़ने की, अगर आपको बोला जाए कि इसको पढ़िए, ये ज्यादा समझ में आ रहा है, अब इसको कोड है, ये कोड है, ये ना कोडिंग है, ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा इसके कंपैरिजन में, इवन फॉर द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर्स के लिए भी ये ज्यादा आसान समझ में आता है। तो अगर आप एल्गोरिदम पहले बना रहे हैं तो उसमें बड़े प्रोग्राम्स के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसमें कोई तरह का त्रुटि रह गया है तो एल्गोरिदम में पहले हम सुधार लेते हैं। जब एल्गोरिदम हमारा सही बन गया, उसके बाद प्रोग्रामर्स को जब हम एल्गोरिदम लो भाई एल्गोरिदम लो इसके हिसाब से प्रोग्राम लो, तो उसको भी सुविधा होगा, ठीक है, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लॉजिक तो सारा हमारा यहाँ एल्गोरिदम में लग गया है और सर सर खाली लूप कंडीशन जो भी लगा के बनाना है बन जाएगा। तो यही हो गया। अब फ्लो चार्ट क्या होता है उसको समझिए। फ्लो चार्ट कहाँ गया? पहले तो समझिए कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो चीज हमने लिख के किया वही चीज हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के फॉर्म में करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये देखिए स्टार्ट, फिर देखिए रीड द इनकम, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स से कहते हैं, फिर रीड द कॉस्ट, ये थोड़ा सा अलग है बस और कुछ नहीं। देखिए डिसीजन बॉक्स है, यहाँ पर डिसीजन बॉक्सेस को कहते हैं, इफ इनकम, यहाँ पर पहले प्रॉफिट कैलकुलेट, ये दूसरा एल्गोरिदम के हिसाब से फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, मतलब समझने की बात है। तो अगर ये ट्रू है तो कैलकुलेट प्रॉफिट एज इनकम, अगर ये फॉल्स है तो कैलकुलेट लॉस और प्रिंट लॉस एंड प्रिंट प्रॉफिट। यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में आप ध्यान दीजिए,
कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है। मतलब इस एल्गोरिदम का ये हूबहू फ्लो चार्ट नहीं है, ये दूसरे एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट, बट फिर भी समझने के लिए ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, जो नए लोग हैं एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर के माध्यम से, जैसे ये शेप्स जो बेसिक शेप्स है उनके माध्यम से हम ये बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा और समझने में फ्लो चार्ट के बारे में, लेख में शायद बतलाया हुआ हो अच्छे से। हाँ यहाँ देखिए, कुछ कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स है ना, कुछ कॉमन, तो कॉमन ही याद रखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में जाने। स्टार्ट एंड स्टॉप, इसको बोलते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप, इसी से स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है, आपने देखा होगा अभी। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एंड हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। प्रोसेस ब्लॉक, किसी तरह का प्रोसेसिंग करना है, लाइक कैलकुलेशन करना है, माइनस प्लस गुना भागा कुछ भी करना है, तो हम लोग प्रोसेस बॉक्स में करते हैं, जो रेक्टेंगल होता है सिंपल। डिसीजन मेकिंग का काम, ठीक है, ये आपका इस तरह का डायमंड बॉक्सेस को कहते हैं, डिसीजन बॉक्सेस कहते हैं। इस तरह का बॉक्स होता है, इसमें हम लोग इफ कंडीशन वगैरह लगाते हैं। और यह है इनपुट आउटपुट बॉक्स, यानी कि किसी भी तरह का इनपुटिंग कराना है, जैसे रीडिंग ए नंबर और इनपुटिंग ए नंबर, या आउटपुट कराना है, तो हम लोग इस तरह से डायगोनल डायगोनली ये पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स इसे कहा जाता है। यह कनेक्टर, ये सर्कल जैसा चीज है, कुछ चीज को कनेक्ट करने के लिए, हालांकि इसमें कनेक्शन का कोई सीन नहीं है, फिर भी ये सबसे जरूरी है। फ्लो लाइन, एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे जा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से रीड हुआ, उसके बाद ये हुआ स्टेप टू, फिर ये हुआ, अगर ऐसा है यस हुआ तो ये होगा, फिर ऐसे जाके एंड हो जाएगा, तो इस तरह के इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, कुछ लोगों को एल्गोरिदम ज्यादा समझ में आता है, कुछ लोगों को फ्लो चार्ट ज्यादा समझ में आता है, ये अपना अपना समझ का तरीका है। आपको जो ज्यादा सही लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हम पहले एल्गोरिदम बनाते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, आपको जो सुविधा लगे वो बनाइए। और याद रखिए, ये सब तामझाम हम लोग बड़े प्रोग्राम्स के लिए करते हैं, ये 2 नंबर को इनपुट करा कर जोड़ने के लिए, या ये सब छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस के लिए, ये सब के लिए इतना तामझाम करने की जरूरत आमतौर पर नहीं होता है। बड़ा काम जब करते हैं तब यहाँ जरूरत होता है, ताकि आप एक्चुअल कोडिंग में जाके गलती ना करें। आप जो गलती करना यहाँ करिए, जो सुधार करना पहले यहाँ कर दीजिए, ताकि आपका जब प्रोग्राम बनाने आप बैठे तो आपका अच्छा से प्रोग्राम बन जाए। यही है फ्लो चार्ट। नाउ विल सी कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आपने देखा बना बनाया फ्लो चार्ट, आप देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। कुछ नहीं है भाई, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, आप कोई भी ऐसा ही ऐप खोल सकते हैं जिसमें शेप अप बनाने का व्यवस्था है, या आप कागज कलम का इस्तेमाल से बना सकते हैं। तो वर्ड में क्या है कि इंसर्ट में आपका शेप है, तो हमें देखिए स्टार्ट स्टॉप ये है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एड टेक्स्ट करके हम लोग लिख सकते हैं स्टार्ट। इट टेक टाइम, हाँ, तो थोड़ा समय लग सकता है, मगर समझिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम इसके हिसाब से बना रहे हैं, एल्गोरिथम के हिसाब से। फ्लो लाइन, फ्लो लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बन गया। हमें क्या करना है, रीड करना है, यानी इनपुट आउटपुट का काम करना है। तो इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा बॉक्स है, याद रखिए, ये देखिए यहाँ पर, इसको भी नजदीक ही रखिए। इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है, सब सामने रहेगा तो थोड़ा सा आसानी होगा। अब इंसर्ट शेप में जाइए, यहाँ खोजिए कहाँ है, ये है शायद, बनाइए, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट लिखिए। क्या लिखना है, रीड या इनपुट, क्या करना है, कॉस्ट प्राइस या सीपी, ठीक है। अब इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको कॉपी करिए और पेस्ट करिए, ठीक है, कंट्रोल सी बाहर क्लिक करके कंट्रोल वी, और इसको खींच के यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर एडिट कर दीजिए कि भैया सेलिंग प्राइस, यही हो गया एसपी या सीपीएस लिख सकते हैं। अब आता है हमारा डिसीजन बॉक्स का बारी, ठीक है। तो डिसीजन बॉक्स देखिए किस तरह का है, ये देखिए, ये हमारा डिसीजन बॉक्स का रूप ले सकता है।
ऐड टेक्स्ट करिए, यहाँ लगाइए इफ, इफ सीपी क्या है पहला केस, इफ सीपी इज लेस देन एसपी, ठीक है तो क्या होगा, इंसर्ट में जाइए, सेट में जाइए, फ्लो लाइन, तो फिर इधर फ्लो हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेस का तो आउटपुट करना देखें, प्रोसेस भी करना है, तो बताइए कि भैया प्रोसेस करना है, मतलब थोड़ा सा समय लगता है सब में, प्रोसेस बॉक्स हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, सीधा सा है, देखिए रेक्टेंगल है, कैलकुलेट करिए, पी इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ऐसा लिख दीजिए और फिर आउटपुट कराइए, ये इतना लंबा देने की जरूरत नहीं है, छोटा भी रहेगा तो चलेगा, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई एम डूइंग इन सच वे, फिर इनपुट आउटपुट बॉक्स के थ्रू आउटपुट कराइए, प्रॉफिट इज पी, पी का वैल्यू प्रिंट कराइए और उसके बाद क्या कराइए, और कुछ करना है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया तो कुछ करना है, तो कुछ करना ही नहीं है, तो मामला को यहां पर फिनिश करते हैं हम लोग, ये देखिए इस तरह का ये लीजिए, इसको यहां से यहां पर ले जाइए, एंड करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, डिलीट मारिए, एंड कैसे होता है, क्योंकि इस केस में तो इतना ही करना था भाई, इसको कह दीजिए एंड, अब एक कंडीशन यहां लगाना होगा कि अगर ये फॉल्स हो गया है, यहां पे एक चीज लिख दीजिए कि अगर ये ट्रू है तो, और अगर ये यहां पर फॉल्स होगा तो क्या करना है, तो वही इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, यहां पर लॉस निकालिए और यहां पर ये कर दीजिए, एक तीर यहां से यहां तक ले आइए, ठीक है मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूं, यहां पर लॉस लिख दीजिए, इजी है कागज कलम से बनाइएगा तो लॉस इज एल, ठीक है एल वेरिएबल है, एक चीज कई तरीकों से बन सकता है, सो डोंट वरी अबाउट माय वे, यू कैन मेक इन अ मच बेटर वे इफ यू ट्राई, ठीक है ये रही एंड, तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, समय के अभाव में मैं बना रहा हूँ, समय काफी कम है इसलिए, कि आप देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट बन गया, उसी उस एल्गोरिदम के हिसाब से ये पूरी तरह से नहीं बन पाया है, क्योंकि उसमें और अभी तामझाम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इक्वल होगा तो उसके लिए क्या करना है ये हम लोग नहीं बता है, ठीक है यहाँ पर एक थर्ड हम लोग लाइन निकालेंगे इस तरह से कि ये अगर देखिए अगर लेस है तब तो ये करो और अगर लेस नहीं है तो फिर यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन देंगे, इफ इट इज इक्वल टू तो ये करो, ग्रेटर देन तो ये करो, ऐसे करके ये थोड़ा और लेबरेट हो जाएगा, तो आई थिंक इसी तरह से आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं, ज्यादातर फ्लो चार्ट में क्या जरूरत पड़ता है, स्टार्ट स्टॉप का तो पड़ता ही है, इनपुट इनपुट आउटपुट बॉक्स का जरूरत पड़ता है, प्रोसेस बॉक्स का जरूरत पड़ता है, डिसीजन बॉक्स का भी जरूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर भी बतला रहा है कि ये भाई कॉमन डायग्राम्स है और इतना ही से मोर और लेस ज्यादातर काम हो जाता है, अब लूपिंग करना होगा तो फ्लो लाइन से हम लोग लूपिंग कर लेते हैं, गो टू स्टेप वन और गो टू देयर, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में, इसको समझने के लिए हो सकता है एक बार में समझ में ना आए जो नए लोग हैं, तो एक दो बार इस वीडियो को देखिए या कुछ और आप इंटरनेट से रेफरेंस ले सकते हैं और इसे सीख सकते हैं आसानी से, थैंक यू।